आज से करोड़ों साल पहले धरती पर गिरे उल्कापिंड से जीवों की तमाम प्रजातियां विलुप्त हो गई थी, लेकिन ये अगर बचे हुए थे तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इनके कवच की ही देन थी। पर क्या इनके कवच इन्हें हर मुसीबत से बचा सकते हैं, ये जानने के लिए ये क्लिप देखिए। जहां इस बीच पर कछुए अंडे देने के लिए इकट्ठा हुए थे और ये हजारों की संख्या में थे। सुबह के वक्त जो मौसम सुहावना था वो रात होते होते बिगड़ने लगता है और केकड़े बाहर आ जाते हैं, जिसमें एक कछुए को ये लिपट कर चट करते ही रहते हैं कि तभी यहाँ एक जगुआर भी पहुँचता है और वो भी इसे नोचने लगता है। पर आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी जगुआर कछुओं पर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। जिस कड़ी में एक क्लिप यह भी देखिए, जहाँ जब ये जगुआर यहाँ से आते वक्त इस कछुए को देख इसके पास पहुँचता है तो कछुआ भी अपने कवच में चला जाता है, जहाँ की जगुआर काफी कोशिश करता है पर ये कछुआ तो सिर्फ बाहर न आने की वजह से ही बच पाया था। लेकिन इस कछुए की किस्मत उस कछुए से ज्यादा अच्छी थी जो इस पर इन हाथियों का पैर नहीं पड़ा, वरना इसका क्या हाल होता इसका अंदाजा आप इस क्लिप से लगाइए। यहाँ हाथियों का काफिला निकला हुआ था और यहीं एक स्पाई टर्टल भी रखा हुआ था, जिससे पहले ये हाथी अपने रास्ते में पड़े और भी कई स्पाई कैमरास को कुचल चुका था और इसने इस कछुए के साथ भी ऐसा ही किया, जबकि एक एनाकोंडा के लिए इसकी कहानी कुछ और ही होती है। जी हाँ, एक एनाकोंडा जो कि सभी सांपों में शिकार करने के मामले में सबसे डरावनी मौत देने के लिए जाना जाता है, वैसे तो ये कैपिबारा जैसे बड़े रोडेंट्स को भी पूरा का पूरा निगलने की क्षमता रखता है, लेकिन जब ये यही कोशिश कछुए को खाने के लिए करता है तो यहाँ ये फेल हो जाता है, क्योंकि कछुआ हार मानने को तैयार नहीं था और इसके नाखून और इसका कवच एनाकोंडा को उसके इरादों में नाकाम कर रहे थे, जिस वजह से यहाँ ये वैसे ही बचता है जिस तरह से आप यहाँ इसे शेरों से बचता हुआ देखेंगे। ये शेर इस कछुए को आता देख इस पर हमला करता, उससे पहले ही कछुआ अंदर चला जाता है, लेकिन शेर भी इतनी जल्दी हार नहीं मानता और इसके पास बैठा हुआ उसे निकालने की काफी कोशिश करता रहता है। जहाँ की यहाँ तो ये सिर्फ कछुए के आगे हारता ही है, लेकिन इस फुटेज में तो शेर कछुए के आगे डरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ ये शेर जब पानी पी रहा था तो इसके पास ये कछुआ चला आता है और बिना डर इसके चेहरे पर बार बार बाइट करने की सोचता है। ज्यादा मजे की बात तो तब होती है जब शेर इस पर हमला करने की बजाय यहाँ से चला जाता है, लेकिन जब ये कछुआ इसे काटने की कोशिश करता है तो सवाल यही आता है कि क्या ये शेर को चोट पहुँचा पाता। तो चलिए फिर इसके लिए मैं आपको इनके खतरनाक बाइट फोर्स का सबूत दिखाना चाहूँगा जो कि इस फुटेज में छिपी हुई है। ये शख्स एक स्नैपिंग टर्टल को लिए हुए है और मीट के इस टुकड़े को इस टर्टल के मुंह में रखने जा रहा है। ये कछुआ तो वैसे ही गुस्से में था और इन्होंने इसे छूकर उसके गुस्से को और भी बढ़ा दिया, जिसके बाद मीट का तो ये हाल होता है। लेकिन अब यही एक्सपेरिमेंट ये खुद के हाथों पर करने जा रहे हैं, जिसके लिए पहले ये अपने हाथों पर प्रोटेक्शन का एक मोटा लेयर चढ़ाते हैं और ये काम पूरा होने के बाद ये टर्टल को गुस्सा दिलाने के लिए जब उसके ऊपर पानी डालते हैं तो इस बीच भी ये बॉटल का कचूमर बना देता है। लेकिन अब बारी थी आर्म टेस्ट की, जिसके लिए ये सभी को रेडी करते हुए इसके मुँह में अपनी बांह डाल देते हैं। हाथ को पास लाते ही ये कछुआ इन पर इतनी स्पीड से अटैक करता है कि ये अटैक मिलीसेकंड्स का होता है। जिसके बाद इनके हाथों का क्या हाल होता है उसे जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दे दें। हुआ कुछ यूं कि इतने प्रोटेक्शन के बाद भी ये स्नैपिंग टर्टल इन्हें चोट पहुँचा ही दिया था, तो जरा सोचिए कि एक मछली का क्या हाल होगा। यहाँ एक स्नैपिंग टर्टल को भूख लगी हुई थी, जिस वजह से ये यहाँ मछलियों के इलाके में चलाता है और आते ही मछलियों को भरमाने के लिए पत्थर की तरह स्थिर हो जाता है, जिसके बाद इसके शरीर का कोई हिस्सा अगर हिल रहा था तो वो था इसके मुंह में मौजूद वर्मी फॉर्म, जो कि मछलियों को अट्रैक्ट करने के लिए मूवमेंट कर रहा था, और इसकी इस चाल में एक मछली फंस भी जाती है और जैसे ही ये कछुए के पास पहुँचती है कछुआ अपना मुँह बंद कर देता है। चलिए ये तो यहाँ शिकार कर लिया, लेकिन उस मंजर के बारे में सोचिए कि तब क्या होगा जब इनका सामना एलिगेटर से होगा, क्योंकि एलिगेटर और क्रोकोडाइल जैसे जानवर वो दानव जीव हैं जिनके बाइट फोर्स का तोड़ किसी भी जानवर के पास नहीं है और ये अपने शिकार को पकड़कर उसके शरीर का क्या हाल करते हैं ये तो आप देख ही चुके हैं। और जब यहाँ भी देखते हैं तो क्रोकोडाइल के मामले में तो ये एक कछुए को अपने मुँह में रखकर उसका कचूमर करता नजर आता है, लेकिन वही बात जब एलिगेटर पर आती है तो इस क्लिप पर नजर मारने पर ये पता चलता है कि कछुआ एलिगेटर के मुँह में तो है, लेकिन जब एलिगेटर इसे खाना चाहता है तो कछुआ बार बार इसके जबड़ों से फिसल जाता है, जिसके बाद ये बार बार उसके कवच को तोड़ने की कोशिश करता तो है पर ये उसमें कामयाब हो नहीं पाता। यहाँ तक कि घोड़े जैसे जानवर पर भी ये हमला करते हैं, और अगर आपको यकीन न हो तो इस क्लिप पर नजर मारिए, जहाँ ये घोड़ा घास चरते चरते जब इस कछुए के पास पहुँचता है तो ये कछुआ इस पर फौरन हमला कर देता है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है, जब यहाँ मौजूद दो कछुए के पास ये घोड़ा पहुँचता है और पहुँचते ही इन्हें छेड़ने लगता है, जिसके बाद कछुआ भी इसे अच्छा मजा चखाता है।
इस घर में मौजूद एक पालतू बिल्ली और इस कछुए को देखिए। जहाँ जब ये कछुआ बिल्ली के पास पहुँचता है तो बिल्ली इससे और दूर चली जाती है, लेकिन कछुए को न जाने क्या सूझी थी कि ये इसके पास चला जाता है और बिल्ली को इतनी ताकत से काटता है कि उसके बाल इसके मुंह में चले आते हैं। यहाँ इस घर में एक पालतू कछुए के सामने ये कुत्ता मस्करी कर रहा था, जिसके बाद जब ये दूसरी बार गलती करता है तो कछुआ इसे दिन में तारे दिखा देता है। आप इन्हें बतखों पर भी हमला करते हुए देख सकते हैं, जिसमें पहली क्लिप तो ये है जहाँ एक टर्टल इस बत्तख को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि काफी देर तक कोशिश करने के बाद ही वो खुद को छुड़ा पाती है, लेकिन ये बत्तख खुद को नहीं बचा पाती और ये टर्टल इसे लेकर पानी के अंदर चला जाता है। जहाँ बचने की कोशिश ये कुछ देर तक करती तो है, पर आखिर में दम घुटने की वजह से मर जाती है। इस ग्राफिक को देखकर यही लगता है कि हो सकता है कि सांप अंदर फंस गया हो, पर इस क्लिप को देखिए जहाँ ये नहीं समझ आता है कि यहाँ सांप अंदर घुसकर कछुए का शिकार कर रहा था या कछुआ सांप का। वैसे शुरुआत में यहाँ कहानी कुछ और ही क्यों न लग रही हो, लेकिन जब सांप छटपटाता है तो यहाँ अंदर किसकी बैंड बज रही है ये तो आप भी समझ रहे होंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है और ये सांप जैसे ही अंदर जाता है कछुआ भी पानी में चला जाता है और जाते ही सांप की पूंछ को अपने मुंह में दबा लेता है, जिसके बाद सांप छटपटाता रह जाता है पर ये उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। वैसे एक क्लिप तो यह भी है जहाँ आप एक गीदड़ को एक कछुए पर मेहनत करते हुए देख रहे होंगे, जिसमें कि जब ये नाकामयाब होता है तो ये इस पर टॉयलेट करके यहाँ से चलते बनता है, जिसके बाद ये हाथ लगता है इस हनी बैजर के। और फिर क्या, हनी बैजर कितने जिद्दी होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। ये हनी बैजर इस कछुए को उसके शैल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश में लग जाता है और आखिर में ये उसे बाहर निकाल कर ही दम लेता है, जिसके बाद ये हनी बैजर तो इसे जिंदा ही नोच कर खाता है। पर ये हनी बैजर इस काम को करने में कामयाब होगा या फिर आज ये किसी कछुए का आखिरी बार शिकार करेगा, वो तो यहाँ पता लग ही जाएगा। यहाँ ये हनी बैजर काफी देर से शैल से कछुए को बाहर निकालने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसमें कि घंटों प्रयास करने के बाद भी ये कछुआ बाहर नहीं आता और आखिर में इस हनी बैजर को यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ दो स्वांस अपने बच्चों के साथ तैर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ अचानक से एक स्नैपिंग टर्टल का हमला होता है और वो एक बेबी स्वान पर पकड़ बनाकर उसे अंदर लेकर जाना चाहता है, पर गलीमत थी कि यहाँ इसकी माँ पहुँच जाती है। और किस्मत तो इस स्वान की भी अच्छी थी, जो कि ये इस कछुए पर हमला किए जा रहा था पर कछुआ मुड़कर हमला नहीं किया, वरना हमला इनका तो इस तरह का भी होता है कि बड़े बड़े स्वान भी इनके मुँह में फंस कर तड़पते रह जाते हैं। वेल, एनिमल्स की वीडियो ये रही, और अगर आप हमें अपना सपोर्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।